और गाइस यहाँ पे बन रहा है चाय, आप देख सकते हो। और चाय का कलर देखिए और कितना अच्छा चाय में उबाल आ रहा है, आप देख सकते हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का वक्त है और जस्ट मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस चले गए हैं और मैं अभी जस्ट चाय पी रही थी। चाय पी करके जस्ट अभी बैठी हूँ क्योंकि मेरा मुँह ऐसे से फूला, मैं आँख वाँख देखो एकदम चढ़ा लग रहा है क्योंकि अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने फटाफट से लेमन राइस बनाया और फिर मैं उनको दे दी। आज मैंने बस लेमन राइस ही दिया है उनको, राइस दिया है टिफिन में। तो मेरे को क्योंकि आज उठते उठते 6:30-6:35 ऐसा हो गया था और उनको 7 o'clock को निकल जाते, तो हड़बड़ी में जो बन जाए जल्दी जल्दी राइस बन गया। और फिर मैंने राइस को फ्राई करके लेमन राइस पाउडर में और फिर मैंने उन्हें दे दिया। सो गाइस, जस्ट मैंने अपने ब्लॉग स्टार्ट किया है अभी। ऐसे ही बैठी हूँ, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए। अभी लग रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ पर अभी नहीं सो सकती कि नहाना धोना है, पूजा पाठ भी करनी है। और वैसे भी काफ़ी, देखो मैं रात को मेहंदी लगाई थी, मुझे आता तो नहीं है लगाना बट ओके जैसा आता है बस मैं लगाई थी। जस्ट ऐसे बैठे बैठे पैकेट की था घर में, तो मैंने कहा चलो लगा ली थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गया तो ख़राब हो जाता ना, बहुत दिन हो जाने के बाद में तो मेहंदी का कलर वो चढ़ता ही नहीं है। फिर अब खुला हुआ पैकेट था, ठीक है चलो इसे स्टार्ट करते हैं काम वाम। अभी जस्ट वो गए हैं ऑफिस और मैं ये देखो घर की अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम मेरे यहाँ का, ऐसे कैसे किचन फैला हुआ है, मैं भी किचन को समेटने वाली हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम करूँगी। रख देती हूँ खाया ही नहीं कोई, मैं बस दो रोटी खाई और सभी रोटी ऐसे ही रह गया। फ्रिज में रख देती मैंने ये दूध फट गया था ना, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो मैं इसकी बना दूंगी सब्जी, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा किचन में काम करूँ ना, सारा चीज फैल जाता है एकदम से। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। सुबह सुबह मॉर्निंग का जो मैंने फैलाया है, मैं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, तो मैं क्लीन कर रही हूँ। और मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे ना 12 बज जाता है और मैं तब तक मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता है, इसलिए और स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। और वैसे भी किचन में क्या है, अगर कुछ बनाओ तो गंदा तो होता ही रहता है हल्का फुल्का। और मैंने यहाँ पे कद्दू वद्दू रखा है क्योंकि मैं अब ना कोई भी रेसिपी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, अगर लेके उतना ही आती हूँ कि 2 दिन के अंदर बन जाए और फिर में रखने के बाद भी टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैं किचन में वो उसके नीचे रखी हुई, ऊपर मैंने इंडक्शन रखा है, नीचे का स्पेस खाली है तो मैं वहीं पर रख देती हूँ क्योंकि किचन में और जगह तो स्पेस है नहीं। और फिर मैं यहाँ पर कुछ बर्तन थे वो मैं साफ़ कर रही क्योंकि मैंने कुकर में इंडक्शन पर ही बनाया था राइस, तो इंडक्शन कुकर ये मैं थोड़ा साफ़ कर रही हूँ और मांस के रख दूँगी बर्तन वगैरह। और सुबह मैंने जैसे मैंने बताया क्या बनाया था, तो बहुत इजी से बन जाता है, बहुत इजी होता है बनाने के लिए। और यहाँ पे रेडीमेड भी अवेलेबल होता है पाउडर, तो आप एकदम से लेके इंस्टेंट बना सकते हो। तो मैंने यही बनाया था सुबह और फिर मैंने दाल भी बनाया, बाद में मैं बनाई दाल और सब्ज़ी थी, रात वाली सब्ज़ी बिल्कुल भी हरी नहीं खाया, सारा सारा का सारा और मैं उसे गर्म करके मैं ही खाऊँ। मैंने नीचे से ऊपर रख दी हूँ बर्तन ताकि नीचे मैं आराम से झाड़ू कर सकूँ। सो गाइस, अभी तो जस्ट मैं भी झाड़ू करूँगी, पोछा करके सीधे मैं नहाऊँगी, तो फिर आगे का ब्लॉग मैं उसके बाद कंटिन्यू करूँगी गाइस। अभी तो मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ आपने देखा ही, तो मैं यही करती हूँ क्योंकि मेरा बेबी इस टाइम तक सो रहा है, आप देखेंगे बाहर हॉल में ही सो रहा है,
रूम में नेट चल रहा था तो मैंने हॉल में ही नेट लगा दिया। और मैं अभी ब्लीचिंग पाउडर ऊपर से निकाली हूँ और बेसिन में, और बेसिन के नीचे जो पाइप जाता है ना, तब पे जाली लगी होती है, मैं वहाँ पे डालूँगी, क्योंकि कल क्या हुआ था ना, वो क्या हुआ, केचुआ जो अर्थवर्म होता है, माय गॉड इतना मैं डर गई थी, और वो एकदम से बेसिन में आ गया था। तो फिर बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको, मैं हमें बेटे ने दोनों मिलके भगाए, तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं साफ़ ऑफ करके ब्लीचिंग पाउडर फिनाइल वगैरह डेली का डेली अब डाल दिया करूँगी।